सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद दोनों दलों में, बीजेपी हो कांग्रेस हो, संगठन में बदलाव देखा जा रहा है और ये बदलाव कांग्रेस में भी देखा जा रहा है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा खंडवा और बुरहानपुर जिले की शहर और ग्रामीण इकाई को भंग कर दिया गया है और जबलपुर में जिला अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन खंडवा और बुरहानपुर में जिला अध्यक्ष कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में अरुण यादव गुट और राजनारायण गुट के बीच में एक तरह से देखा जाए तो द्वंद्व चल रहा था और राजनारायण सिंह ने हार का ठीकरा यादव गुट पर फोड़ा था। वहीं यादव गुट ने भी अपनी बात गांधी भवन में कही थी, जिसके बाद दोनों के बीच में अंतर्कलह स्पष्ट दिखाई दे रहा था दोनों गुटों की बात करें तो। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भी ये देखना रोचक होगा कि जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष किसे चुना जाता है और नई इकाई में राजनारायण सिंह गुट के लोग शामिल होते हैं या अरुण यादव गुट के लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस लेटर की हिसाब से यहां पर अरुण यादव गुट फिलहाल डोमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जितना भी संगठन है उस संगठन के पदों पर अरुण यादव गुट के लोग बैठे हैं। ऐसे में पूरी इकाई को भंग करना अरुण यादव को डोमिनेट करने के तौर पर देखा जा रहा है। राजनारायण सिंह लगातार गांधी भवन में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और जो अरुण यादव गुट विरोधी है वह लगातार सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब यह देखना रोचक होगा कि आने वाले दिनों में जो नए पद पर लोग आते हैं वह राजनारायण गुट से आते हैं या अरुण यादव गुट से आते हैं।